सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो ना ही राइड के ऊपर है और ना ही फूड से रिलेटेड है। आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है लेदर जैकेट से रिलेटेड, जो कि मुझे लेना था काफी वक्त से और अभी ठंडी भी काफी है नासिक में। सो मैंने बुक किया मेरे लिए जैकेट धारावी, वहाँ पर सबसे बड़ा लेदर का मार्केट है। वहाँ पे जो जैकेट्स होते हैं, वहाँ के जैकेट्स पोलैंड हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ पर इम्पोर्ट होते हैं, तो आप क्वालिटी सोच सकते हो कि कितनी अच्छी होती है वहाँ की। सो इसी चीज़ से रिलेटेड मैंने सोचा कि व्लॉग बना लूँ लेदर जैकेट से रिलेटेड। और जिसे पता ना हो मैं एक चीज़ बता दूँ कि धारावी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम इन एशिया। सो चलो चलते, मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्ट शॉप के अंदर। सो गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ धारावी, जो कि लेदर मार्केट है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था। अभी मुझे आते आते तो बहुत शाम हो गई, मैं सुबह से निकला था घर से, क्योंकि नासिक से आए और बीच में एक दो काम थे वो भी किए। गाइस देखते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर लेडीज के लिए पर्स भी अवेलेबल है। ये सारी चीज तो मैंने सिनेमैटिक में डाले, आप उस चीज को एंजॉय करना। सो गाइज, यहाँ पे जो लेदर क्वालिटी है वो एकदम ओरिजिनल है। मतलब आप आओगे ना, मतलब मैं कितना भी अगर वीडियो में आपको बता दूं, बोल दूं, उसमें आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर जब भी आप यहाँ पर शॉप में विजिट करोगे आपको डायरेक्ट समझ जाएगा कि क्वालिटी कैसी है यहाँ की। जैसे आप देख रहे हो कस्टमर डेली आते हैं और कंटिन्यू चालू, मैं आया हूँ तब से मतलब 5-6 कस्टमर आ चुके हैं यहाँ पर। ओके, मतलब धारावी अगर आप आते हो, यहाँ पर बहुत सारी शॉप है, मतलब कम से कम मैंने जितना घूमा मैं 50-60 शॉप्स थे, उसके अंदर मैंने 100-150 जैकेट देखे अलग अलग टाइप के, लेकिन मुझे जो क्वालिटी चाहिए थी वो यहाँ पर ही शॉप में मिली। मैं शॉप का जो एड्रेस है वो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आ सकते हो यहाँ पर। सो गाइस, धारावी जब आप आ रहे हो यहाँ पर शॉप के अंदर, अगर आपको पर्स लेना है, पर्स की क्वालिटी भी ओरिजिनल है, वॉलेट्स की क्वालिटी भी ओरिजिनल है, शूज, मुझे यहाँ पर शूज भी बहुत पसंद आए, वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी के है, तो आप आकर ले सकते हो। और सेकंड चीज़ के यहाँ पर आप आ रहे हो तो बार्गेनिंग जरूर करना इन लोगों से, क्योंकि यहाँ पर ना फंसाते बहुत है लोग, राइट? तो आपको फंसने से अगर बचना है तो आप बार्गेनिंग कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप ना बार्गेनिंग करो तो भी चलता है, लेकिन चीज़ ओरिजिनल देख के लेना। ओके, सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ की दिखा दी, डिटेल दे दी, लेकिन यहाँ के जो ओनर है यहाँ के शहबाज भाई मास्क ले लेना, नीचे पब्लिक पहचानेंगे नहीं आपको। सो भाई, मुझे एक बात बताओ, आप जैकेट जो है ये सारे, इसके अंदर कितने अलग अलग टाइप के लेदर आते हैं? 3 टाइप के लेदर मिलेंगे आपको इसमें, शिप, बफ और कैमल। 3 टाइप के शिप, बफ और कैमल, तो उसका प्राइस रेंज भी उस तरह से? शिप में आप लेंगे तो मिनिमम आपको 2.5 से आ जाएगा, आपको 2500 से स्टार्टिंग मिल जाएंगे आपको। ये देखिए, सब शिप है, प्योर ये चीज है क्या? सब शिप लेदर है, ये शिप का है। हाँ। इसका कॉस्टिंग कितना जाता है? ये 2.5 से स्टार्टिंग मिल जाएगा आपको 2500 से। ओके, एंड आप इसमें बफ लोगे आप तो ये देखिए, बफ क्या होता है यार, मुझे भी पता नहीं। बफेलो, अच्छा, ये देखिए बफेलो। ओके, सो गाइस देख रहे हो आप, आपको हेवी गेज विंटर तक कवर करता है, माइनस टेम्परेचर तक कवर करेगा आपको। इंटीरियर पार्ट भी लेदर है इसमें, आपको देख सकते हो आप। ओके, इसमें आप कैमल लेदर आप लोगे, ये देखिए, ये कैमल लेदर है। वाओ यार, बहुत ही अच्छी चीज है, मतलब कलर कुछ यूनिक देखने मिल रहा है। ये कौन सा लेदर है? ये प्योर कैमल है, कैमल लेदर, बहुत हार्ड लेदर है। इसका प्राइस रेट क्या जाता है? ये आपका 7000 से स्टार्टिंग रेंज, इसका कैमल लेदर में 7000 स्टार्टिंग रेंज। ओके, सो गाइस देखा आपने, 7000 कैमल लेदर का है।
और इस चीज का आपने कितना ये कौन बफेलो का लेदर है 5000 से स्टार्टिंग रेंज है आपको। सो गाइस बफेलो का जो रेंज है वो जाता है 5000 से, कैमल का जो रेंज है वो जाता है 7000 से स्टार्टिंग रेंज, और ये जो अपना शिप लेदर है उसका 2.5 शिप लेदर का जाता है। सो गाइस जैसे आपने देखा भाई ने जो बोला कैमल लेदर, बफेलो लेदर और जो नॉर्मल शिप का लेदर है, आप जो भी चीज लोगे उसका मटेरियल के हिसाब से कस्टमाइजेशन जैसा आप करते हो उस हिसाब से उसका रेट इंक्रीज होता है, राइट ना? Yes. तो अपने पास अपन रेक्सिन भी रखते हैं क्या? रेक्सिन अपने पास, अपने 100% लेदर शॉप की लेदर, और अपना कोई दूसरा शॉप भी है यहाँ पर? नहीं ना, अपने 3 आउटलेट है ब्रांच अपने मार्केट में। क्या बात है। और मैंने सुना है धारावी का जो मार्केट है लेदर का वो स्पेशली इसलिए क्योंकि यहाँ का जो माल है वो इम्पोर्ट होता है यूरोप वगैरह। हाँ, जाता है ना अपना जाता है। हाँ, ये अपना पोलैंड में आर्टिकल जाता है, अफ्रीका में जाता है। क्या बात है। सो गाइस देखो मतलब धारावी इज नॉट, जिसे हम स्लम कहते हैं वो सिर्फ स्लम नहीं है, जैसे कमल कीचड़ में उगता है वैसा ही है, धारावी में भी क्वालिटी मिलती है और यहाँ का जो माल है वो जाता है यूरोप पोलैंड। भाई का माल तो पोलैंड में जाता है, राइट? और ये जो लेडीज के पास इसका स्टार्टिंग रेंज क्या जाता है? ये आपको 1.5 से आएगा आपको स्टार्टिंग रेंज। दिखाना। ये हम्स की कॉपी है। हम्स की कॉपी क्या होता है ये? हम्स, ये हम्स ब्रांड है। ब्रांड है, अच्छा। हम्स की मतलब आपको जो भी चीज चाहिए वो यहाँ पर बना के मिलेगी, कस्टमाइज करके मिलेगी, आपको उनको सिर्फ फोटो दिखाना है। और इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको यहाँ पर टोटल ओरिजिनल माल मिलेगा फिनिशिंग के साथ में। ओके सो गाइस जैसे मैंने पहले कहा था कि बच्चों के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल है। सो देखो यहाँ पर भाई के पास ये और ये वाला, ये बच्चों का क्या रेंज है? 1500 से स्टार्ट आएगा ये वाला, 1500 से स्टार्ट आएगा। इसमें भी कस्टमाइजेशन होता है बच्चों के लिए? क्योंकि मोस्टली तो कस्टमाइज नहीं आता है उनका, क्योंकि स्ट्रक्चर जो डिफरेंट होता है, एज ग्रोइंग एज रहती है उनकी, तो उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से वो मेक टू ऑर्डर होता है। क्या बात। सो गाइस आप ये क्वालिटी देख सकते हो लेदर की, ये शिप लेदर है जो कि मैंने मेरे लिए कस्टमाइज करके लिया था, और इसके ऊपर ये जो रेड रेड है मैंने यहाँ पर ये रेड वाले लगा के लिए। यूजुअली ब्लैक आते हैं लेकिन मेरे पापा कहे कि रेड अच्छे दिखेंगे, तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करके देखते, थोड़ा सा उस कारण ये यूनिक हो गया है। और ये जैकेट जो है इसको बाइकर जैकेट कहते हैं। तो गाइस आपने तो देख ही लिया ये वाला मेरा जैकेट जो मैंने पहना है, अभी मैं आपको 2 से 3 जैकेट पहन के बताऊंगा उसका लुक मेरे ऊपर कैसे जाता है, और आपको डिजाइन भी समझ आएगा अगर आपको कस्टमाइज करके लेना है। ओके गाइस फाइनली वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है, और आप देख सकते हो ये मेरा जैकेट, और जो कि मैंने आपको ट्राई करके दिखाया भाई रख रहे हैं ऐसे। सो इसके अंदर काफ़ी डिफरेंट शेड है और पैटर्न है, अगर आप आते हो तो आप देखो आपको कौन सा पैटर्न पसंद आता है। जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये मेरे साथ मेरा भाई है, मेरा बंदा है जो मुंबई में ही था, तका दिया मैं उसको सुबह से मेरे साथ है। तो गाइस बाय।